हेलो एवरीवन माय नेम इज़ सुरभि सिंह एंड टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द केमिस्ट्री इस वीडियो में मैंने फिफ्टी प्लस क्वेश्चंस लिए हैं फिफ्टी सिक्सटी अराउंड क्वेश्चंस हैं जो आपके सी जी पेटेंट ऑफिसर के एग्जाम में आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे तो टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द मैक्सिमम डेंसिटी ठीक है तो आपको पूछ रहा है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है सॉलिड लिक्विड गैसेस नन ऑफ द अबव तो अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी डेंसिटी की बात होती है तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो सॉलिड में होती है फिर लिक्विड में और फिर गैस में होती है सॉलिड में इसलिए होती है क्योंकि जो एटम्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं लिक्विड की बात की जाती है तो उससे ज़्यादा कम आपकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है और आपकी जो गैसेस होते हैं क्योंकि गैसेस आपका बहुत आ, मतलब लूज फॉर्म में पैक्ड होते हैं तो इसलिए उसकी जो मैक्स डेंसिटी होती है वो सबसे मिनिमम होती है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द सॉलिड हैज़ द स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज अ मैक्सिमम डेंसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी जो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो उसकी थ्योरी एक बार ज़रूर जाके पढ़ना विच ऑफ द फॉलोइंग सोलूशन विल कॉज द ब्लू लिटमस टू द रेड कलर लिटमस और आपकी जो इंडिकेटर हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है तो ऑप्शन देख लेते हैं विनेगर सोप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैलेमाइन तो अगर मैं बात करूं कि ब्लू लिटमस को अगर रेड में टर्न कर रहा है और ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करने का मतलब है कि आपका ये एसिडिक है ठीक है जो आपका जो भी आपका कंटेंट है वो एसिडिक है तो अगर हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो विनेगर सोप विनेगर आपका एसिड है सोप आपको मैंने बताया बेस है ठीक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी आपका बेस है और कैलेमाइन भी आपका बेस है तो विनेगर जो होता है जो टेस्ट में खट्टा होता है जिसको हम सिरका बोलते हैं वही एक ऑप्शन है जो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है तो जो आपका विनेगर है क्योंकि वो एसिड होता है इसलिए वो ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देगा तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं डियर स्टूडेंट ठीक है मतलब ऑपोजिट क्वेश्चन है इसमें लिटमस के बारे में पूछ नहीं रहा है एग्जाम्पल दे पूछ रहा है कि वो क्या हो सकता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ दिस मेटल हैज एन ओर नेम इज मेलिकाइट मेलिकाइट किसका है आपका ओर ऑप्शन देख लेते हैं जिंक एल्यूमिनियम आयरन कॉपर तो जो आपका मेलिकाइट है वो आपका कॉपर का एक बहुत फेमस ओर है जिससे आप कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सिंथेटिक फाइबर देखो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है आप उसको टेक करोगे और आगे बढ़ोगे तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे कोशिश करना कि वो गलत ना हो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सिक्स टू एथ तक की एन सी आर टी को कवर किए गए हैं बेसिकली नाइन्थ को भी मैंने uh, टच किया है नाइन्थ और टेंथ को भी तो सिक्स टू एथ की एन इज द कुंजी बेसिक की जो ऐसे पेपर्स होते हैं यहां पर आपके एनसीआर से ही क्वेश्चन बनते हैं ऑप्शन देख लेते हैं रेओन नायलॉन पॉलिस्टर एंड ऑल ऑफ द अवब तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अवब जो ये हैं आपके ये सारे ही आपके सिंथेटिक फाइबर के अंदर आते हैं रेओन नायलॉन पॉलिस्टर एंड ठीक है ये सारे ही आपके सिंथेटिक फाइबर हैं फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन दैट आर नॉट बिलोंग टू द ग्रुप मिल्क हनी ऑयल एंड इंक आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे देखोगे जो मिल्क है वो भी आपका क्या होता है वाटर में सॉलेबल हो जाता है हनी क्या है हनी भी आपका वाटर में सॉलेबल हो जाएगा इंक क्या है इंक को भी अगर आप पानी में डालते हो तो वो सॉलेबल हो जाता है जो नहीं सॉलेबल होता है वो क्या होता है आपका ऑयल जो ऑयल होता है वो आपका पानी में सॉलेबल नहीं होता है तो ये आपका ऑड वन आउट है तो यहाँ पर हो जाएगा जो इस ग्रुप में नहीं है वो होगा सी ऑप्शन ऑयल का द लिक्विड दैट डिज़ोल्व इन वन अनदर ठीक है जो एक दूसरे में डिजोल्व हो जाते हैं वो क्या होते हैं ठीक है इमेसीबल मेसिबल इनसॉलेबल नन ऑफ द दे अव देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना लोग इसको जल्दी ही देखकर टिक कर देंगे इनसॉलेबल बट इनसॉलेबल जो है आपका वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन कह रहा है द लिक्विड दैट डिज़ोल्व इन वन एंड अनदर मतलब म्यूचुअली डिजोल्व हो जाते हैं जो म्यूचुअली डिजोल्व हो जाते हैं बेसिकली उनको हम बोलते हैं मिसेबल ठीक है जो आपके मिसेबल होते हैं जो जो लिक्विड आपके म्यूचुअली डिजोल्व नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं ई मेसेबल तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा मेसेबल मेसेबल लिक्विड्स होते हैं ना वो आपस में डिजोल्व हो जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द विच

आपके एटम्स होते हैं ठीक है उन पे आपका रस्टिंग का इफेक्ट नहीं आता है उनमें जंग नहीं लगती है जंग यानी जो बात करते हैं कि जो रेडिश ब्राउन कलर होता है जब आप उनको लोहे को जब आप एटमॉस्फेयर में ऐसे खुला रख देते हो तो उस पर तुरंत ही तीन चार दिन के अंदर आप देखते हो आपके ऊपर एक रेड ब्राउन कलर की परत लगने लगती है जिसको हम जंग लगना या क्रोजन लगना कहते हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका आयरन गोल्ड सिल्वर और अलूमोनियम इसका आंसर नहीं होगा रेडिश ब्राउन जो कलर होता है है, वो आपका जंग लगने से आता है और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम गैलवनाइजेशन करते हैं तो दोनों चीजें आप याद रखना गैसेस इन द एयर आर क्या है आपकी गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर बोथ ए एंड बी समाइम्स गुड समटाइम्स बैड तो जो आपकी एयर में जितनी भी गैसेस होती हैं या तो इनर्ट गैसेस होती हैं या तो आपका बेसिकली वो नॉन बैड कंडक्टर ऑफ द हीट होती हैं तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैड जितने भी आपके नाइट्रोजन ऑक्सीजन जितने भी आपके एटमॉस्फेयर में गैसेस पाई जाती हैं एयर में वो आपकी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस कर्ड, विनेगर आमला विंडो क्लीनर तो आप ऑप्शन से देख लेना देखो मैंने आपको बताया था कि जो बेस होता है उसका टेस्ट कड़वा होता है और जो आपका एसिड होता है उसका टेस्ट क्या होता है खट्टा होता है तो ऑप्शन देख लेते कर्ड खट्टी है विनेगर खट्टा है आंवला खट्टा है विंडो क्लीनर की बात करते हैं तो विंडो क्लीनर आपका क्या है कभी टेस्ट मत कर लेना आप उसको बट आप देखो कि वो झाग देता है जितनी भी सोप डिटर्जेंट विंडो क्लीनर मतलब जो साफ़ करने के लिए जिन चीज़ों को यूज़ होता है वो आपके बेस हो जाते हैं तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका विंडो क्लीनर आपका ये बेस है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एनडिक इंडिकेटर दैट अकर्स नेचुरली गुड़हल टर्मरिक लिटमस फिनॉफ्तलिन तो जो गुड़हल होता है इसी को हम चाइनीज़ रोज भी कहते हैं बेसिकली तो यहाँ पर जो आपको पता है कि चाइनीज रोज़ गुड़हल हो गया जो गुड़हल का फूल होता है रेड कलर का टर्मरिक जो हल्दी होती है लिटमस लिटमस जो पेपर होते हैं ये सारे आपके नेचुरल इंडिकेटर है जबकि जो फिनॉफ्तलिन है वो आपका आर्टिफिशियल या बेसिकली ऐसा इंडिकेटर है जो नेचुरली एटमोसफियर में नहीं पाया जाता है आंसर हो जाएगा डी फिनॉफ्तलिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स कंटेन द एस्कॉर्बिक एसिड ठीक है तो अगर हम स्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं तो स्पनाच ग्रैप्स अनराइप मैंगो आंवला तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंवला आंवला जो होता है उसमें आपका स्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ द एडिशन ऑफ टर्मरिक एफेक्ट द कलर ऑफ लाइम वाटर ठीक है तो जो आपका टर्मरिक है वो आपका लाइम वाटर के साथ क्या कलर देगा लाइम वाटर जो है बेसिकली आपका बेस होता है तो सॉल्यूशन बिकम ब्लू इन कलर ठीक है सॉल्यूशन विल बिकम रेड इन कलर सॉल्यूशन विल बिकम येलो इन कलर सॉल्यूशन विल बिकम पिंक इन कलर तो जो आपका लाइम वाटर है बेसिकली वो क्या होगा आपका टर्मरिक के साथ टर्मरिक क्या है आपका जो बेसिकली जो टर्मरिक होता है वो आपका एज अ इंडिकेटर काम करता है तो आप इस तरीके से समझो कि जो आपको मैंने सब्जी वाला एग्जांपल बताया था कि आपके पास एक वाइट टी शर्ट है जिसपे आपकी सब्जी गिर गई है और आप तुरंत जाते हो कि मम्मा डांटेंगी उसको मैं सर्फ से साफ़ कर देता हूँ तो आप देखती हो कि जो येल्लो दाग है वो आपका पहले रेड कलर में चेंज होता है तो जब लाइम वाटर लाइम वाटर मतलब आपका बेस बेस से आप टर्मरिक पर लगाओगे तो वो आपका सल्यूशन हो जाएगा रेड कलर का ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा द सल्यूशन बिकम रेड इन कलर विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट द केमिकल चेंज कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बताया है कि आपका जिस जो आपके फिजिकल चेंज होते हैं उसमें आप उस जो आपका बेसिक फॉर्म होता है उसमें आप वापस उसको पा सकते हो लेकिन केमिकल चेंज में आप उसको वापस नहीं वापस उस फॉर्म में उसको नहीं पा सकते हैं तो चेंज इन कलर चेंज इन स्टेट प्रोडक्शन ऑफ साउंड चेंज इन स्मेल तो चेंज इन स्टेट है जो आपका ये आपका केमिकल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है यानी अगर हम बात करते हैं जैसे हम देखते हैं पानी को अगर हमने बेसिकली जो आपका वाटर है इसको हमने फ्रीज कर दिया तो ये आइस क्यूब बन जाता है तो हमने इसका स्टेट चेंज कर दिया लिक्विड से ये बेसिकली गया आप सॉलिड में तो एक से, स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंजेस आए जो आपका वाटर था ठीक है एच टू पानी था उसको हमने फ्रीज किया तो वो आपका क्या बन गया आइस के फॉर्म में आ गया एंड आइस इज़ योर सॉलिड तो यहाँ चेंज हुआ लेकिन अगर आप देखते हो कि जब आप आइस को मेल्ट कराओगे तो वो वापस से पानी के फॉर्म में आ जाता है तो ये आपका केमिकल चेंज नहीं है केमिकल चेंज ये कहता है कि जो आपके चेंजेस आएंगे वो वापस दोबारा से आप उस चीज़ को दोबारा उस फॉर्म में नहीं पा सकते हो ठीक है तो चेंज इन कलर है अगर आपने रिएक्शन किया रिएक्शन में अगर आपका कलर चेंज हो गया तो ये एक तरीके से केमिकल चेंज कैरेक्टरिस्टिक है ठीक है चेंज इन स्मेल स्मेल आपकी बदल जाती है ठीक है तो ये सारे आपके केमिकल चेंजेस हैं बट स्टेट चेंज होना आपका ये आपका फिजिकल चेंज है सेम इसी तरीके से अगर आप पानी का कंटेनर ले ले रहे हो ये लिक्विड है आपने इसको स्टीम किया ठीक है तो सारा पानी आपका वेपराइज्ड हो गया ऊपर आपने एक कंटेनर लगा दिया जहाँ पर आपने इसको इकट्ठा कर लिया तो आप देखते हो पानी की बबल्स की फॉर्म में वहाँ पर पानी वापस से ठंडा होने पर इकट्ठा हो जाता है ठीक है तो दिस इज फिजिकल चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द आउटकम ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है एसिड और जो बेस का रिएक्शन होता है तो वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है ठीक है और न्यूट्रलाइज और वाटर देता है तो यहाँ पर जो सोल्यूशन आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सॉल्ट एसिड और बेस की जो रिएक्शन में आपको जो मिलता है वो आपका सॉल्ट होता है जो खाने वाला नमक हम बेसिकली बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज प्रेजेंट इन द कैलेमाइन सोल्यूशन कैलेमाइन सोल्यूशन में कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है जिंक हाइड्रोक्साइड जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड जिंक सल्फेट तो आंसर हो जाएगा बी जिंक कार्बोनेट ठीक है जिंक कार्बोनेट आपका प्रेजेंट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फॉर्म वेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजोल्व इन द रेन ड्रॉप तो आपका जब कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली रेन ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड एस सी ओ टू जब आपका रेन ड्रॉप के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बेसिकली बेसिकली कार्बोनिक एसिड बनाता है जो कि हम एच टू सी ओ थ्री लिखते हैं ऑप्शन देख लेते हैं कार्बोनिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड फॉर्मिक एसिड तो जब आपका कार्बन डिजोल्व होता है ड्रॉप के साथ तो वो आपका कार्बोनिक एसिड बनाता है एच टू सी ओ थ्री ऑप्शन ए विल बी द राइट वन वॉट नेम इज गिवन टू द सोल्यूशन दैट डोंट अफेक्ट द कलर ऑफ अदर द रेड और द ब्लू लिटमिस टेस्ट स्ट्रेप्स की एसिडिक सोल्यूशन सॉल्ट सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन न्यूट्रल सोल्यूशन तो आपको पता है कि एसिडिक सोल्यूशन में बेसिकली आपका कलर क्या हो जाता है सॉल्ट में और बेस में आपका बेसिकली चेंज होता है जो न्यूट्रल सोल्यूशन होते हैं उसमें आपका लिटमिस पेपर पर पे कोई अफेक्ट ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रोसेस डिपॉजिटिंग ऑफ जिंक लेयर एंड एन आयरन देखो मैंने अभी आपको इसी वीडियो में इसका आंसर दिया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है तो जिंक लेयर हम क्यों लगाते हैं आयरन पर बेसिकली रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए तो आपका गैलवनाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन रस्टिंग नन ऑफ द अव तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गैलवनाइजेशन गैलवनाइजेशन इस प्रोसेस है जिसमें जिंक लेयर आपके आयरन पर बेसिकली स्टोर हो जाती है वॉट चेंज इन कलर आर प्रोड्यूस्ड वेन अ बेसिक सोलूशन इज कम्बाइंड विद द चाइना रोज इंडिकेटर ठीक है तो आपका इट टर्नस ब्लू इट टर्नस ग्रीन इट टर्नस डार्क पिंक नो चेंजेस तो जब आपका जो बेसिकली चाइना रोज है वो अगर आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है इट टर्नस ग्रीन विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर स्टेनलेस इंस्टी स्टील कॉन्स्टिट्यूंट ठीक है तो मैंने आपको बताया था स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें आपका बेसिकली आयरन निकल कार्बन और मैग्नीज और सबसे बड़ी जब जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोमियम आपका 12 परसेंट अराउंड होता है ठीक है तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका आयरन कार्बन निकल क्रोमियम दिया हुआ है और ऑप्शन देख लेते हैं आयरन कार्बन मैग्नीज क्रोमियम तो मैग्नीज भी पाया जाता है तो मोस्ट जो आपका एक्यूरेट uh, आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन आयरन निकल कार्बन मैग्नीज एंड क्रोमियम ऑप्शन सी विल बी द राइट वन नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ केमिकल चेंजेस बर्निंग ऑफ लीव्स फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स नेक्स्ट इज टर्निंग ब्राउन ऑफ फ्रेशी कट बनाना एंड नेक्स्ट इज फ्रीजिंग ऑफ वाटर तो आंसर आपको पता है फ्रीजिंग ऑफ वाटर ऑब्वियसली फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो मैंने अभी आपको बताया ये फिजिकल चेंज है बाकी सारे जो तीनों ऑप्शन है कि लीव जब बर्न कर जाती है तो वो काली रंग की राख हो जाती है उससे आप वापस लीव को नहीं पा सकते हो ठीक है ग्रेन जो आपका फ्रेशली कट बनाना है वो आप देखते हो कि थोड़ी देर में काला पड़ने लगता है तो आप वापस से इसको फ्रेश बनाना में नहीं चेंज कर सकते हो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स जो आप इसे एल्कोहल वगैरह बनाते हैं वापस से इसको ग्रेप्स के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं तो फर्स्ट थ्री आर द केमिकल चेंज and the last one freezing of water is a physical change. विच ऑफ़ द फॉलो इंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर रेस्टिंग टू अकर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंस ऑफ वाटर तो मैं आपको जो बताई हूँ कि जो आपका आयरन होती है आयरन की रॉड होती है वो अपने आप जंग नहीं पकड़ती है उसके लिए आपका जो रिक्वायर्ड कंडीशन होती है कि ऑक्सीजन यानी एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन वाटर वेपर और जो बारिश होती है ना तब ज़्यादा जंग लगने के चांसेस होते हैं तो बारिश में पानी की जो एटमोस्चर होता है उसकी वजह से तो जंग लगने के लिए बेसिक रस्टिंग के लिए आपका प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी नहीं है ठीक है दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड कंडीशन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट द रिक्वायर्ड कंडीशन यू लीव अ पीस ऑफ आयरन आउट इन द ओपन फॉर अ वाइल इट विल डेवलप अ ब्राउनिश फिल्म वॉट इज द नेम ऑफ द ब्राउन सब्सटेंस डस्ट रस्ट बोथ सफ बी ब्राउन सैंड तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रस्ट ठीक है रस्टिंग कहते हैं इसको होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्निंग इट इज अकंप्लीट बाई द प्रोडक्शन ऑफ हीट डेफिनेटली जो दहन प्रक्रिया है ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग बर्निंग इज अ केमिकल प्रोसेस बर्निंग के में जैसे आ, किसी भी मॉलिक्यूल uh, या सब्सटेंस या किसी चीज़ को आप जलाते हो तो ये आपका एक केमिकल चेंज है ठीक है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अब अफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट का और दूसरा नाम क्या है ग्रीन विट्रॉयल ब्लू विट्रोयल नीला थोथा बोथ पी एन सी देखो ये इम्पॉर्टेंट है आपका ठीक है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर कॉपर सल्फेट ग्रीन विट्रोयल ब्लू विट्रोयल नीला थोथा बोथ पी एन सी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जैसे आपको पता है कि कॉपर सल्फेट का जो दूसरा नाम है वो ब्लू विट्रॉयल भी है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे ब्लू विट्रोल को टिक कर दोगे नेक्स्ट ऑप्शन भी पढ़ोगे कॉपर सल्फेट को आपको नीला थोथा भी कहते हैं तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आपका बोथ बी एंड सी विच कलर चेंज विल यू ऑब्जर्व वेन फिन इज एडेड टू एन एसिड पिंक ग्रीन कलरलेस एंड ब्लू तो आंसर हो जाएगा आपका जब आपको आ, जब आप किसी एसिड में फ़िनॉफ्थेलिन को ऐड करोगे तो आपका कोई चेंजेस नहीं आते हैं ठीक है थीके? ये चीज़ आप याद रखना साथ होता है वो आपका जो फिनॉफ्तलिन होता है वो एसिड के साथ कलरलेस होता है जबकि वो बेस के साथ पिंक कलर देता है तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखना है चाइना रोज फिनॉफ्थलिन को लेकर ठीक है कलर क्या आता है तो एसिड के साथ वो कलरलेस होता है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लाइम वाटर मिल्की कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम ऑक्साइड तो जो आपका लाइम uh, वाटर को जो मिल्की करता है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट है जो आप उसको मिलाओगे लाइम वाटर में तो उसका कलर दुधिया कलर आपका मिल्की हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी द राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सम मटेरियल हैव अ प्रॉपर्टी सच एज़ हार्डनेस लस्टरनेस मेलेबिलिटी डक्टिलिटी सोनेरिटी एंड गुड कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आइडेंटिफाई द मटेरियल तो अगर आपको मैंने बताया हो तो मेटल और नॉन मेटल की मैंने आपकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाई थी तो ये जितनी क्वेश्चन आपका एक तरीके से रिविजन क्वेश्चन है तो जो आपकी जो आपकी बेसिकली मेटल की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं तो वो आपकी डक्टाइल होती है मैलेबल होती है सोनरिटी होती है गुड कंडक्टिविटी ऑफ द हीट होती है लस्ट्रस मतलब शाइनिंग होती है सोनरिटी मतलब कि हल्का सा भी अगर आप उसको हिट करोगे साउंड प्रोड्यूस होता है नॉन मेटल मेटल सेमी इंसुलेटर तो आंसर हो जाएगा आपका मेटल विच ऑफ़ द फॉलोइंग गैस एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रा वोलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक मैंने अभी नहीं कवर किया था अभी मैं इसका यहाँ पर आंसर बता देती हूँ इसका आंसर है ओ जोन मैं अभी लास्ट के एक एक्स्ट्रा वीडियो जो आपके होते हैं जो टॉपिक रिमेनिंग रह गए हैं उसको अपडेट करूंगी तो जो आप ओजोन लेयर होती है ये आपकी एटमॉस्फेयर में भी पाई जाती है और ऊपर में भी पाई जाती है एक जगह पर ये अच्छा काम करता है एक जगह पर ये काम करता है तो फिलहाल जो इसका आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ओजोन तो ओजोन इज द गैस एब्सॉर्व हार्मफुल अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन वॉटर एग्जिस्ट इन विच स्टेट वन टू थ्री फोर तो आपको पता है कि जो वाटर है आपका लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है सॉलिड के फॉर्म में एज अ आइस के फॉर्म में हो सकता है वेपर स्टीम के फॉर्म में भी हो सकता है तो बेसिकली ये थ्री तीन स्टेट्स में आपका एग्जिस्ट करता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस ये इंपॉर्टेंट है ठीक है जो आपका कौन सा नॉन मेटल है जो आपका शाइन करता है लस्ट्रस होता है ऑक्सीजन ब्राउन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन ठीक है याद रखना जो एक्सेप्शनल केस होते हैं नॉर्मली जो होता है आपके नॉन मेटल होते हैं वो शाइनी नहीं होते बट आयोडीन इज द ओनली वन जो आपका शाइन करता है आयोडीन के अलावा जो आपका कार्बन होता है वो भी आपका लस्ट्रस फॉर्म में होता है बट वो किसी किसी फॉर्म में लस्ट्रस है लाइक डायमंड के फॉर्म में जो होता है वो आपका लस्ट्रस होता है बट जो आयोडीन होता है वो आपका हमेशा ही मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टीज़ को शो करता है नॉन मेटल होने के बावजूद भी तो क्वेश्चन इस तरीके भी से भी आ सकता है अगर यहाँ पर कार्बन एंड आयोडीन दोनों दिया होता तो आप दोनों को टिक करते बट कार्बन के जितने फॉर्म होते हैं उसमें से बस लिमिटेड फॉर्म में ही वो लस्ट्रस प्रॉपर्टीज हो करता है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वॉटर रेन वाटर ग्राउंड वाटर ग्लेशियर वाटर एंड नन ऑफ द तो जो रेन वाटर है उसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर कंसिडर किया गया है वो बात अलग है कि वो जब आ, मतलब अर्थ से कॉन्टैक्ट में आता है तो वो आपका बेसिकली उसमें बैक्टीरिया और जो भी आपकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो एड हो जाती हैं बट अगर हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द वाटर की बात करें तो वो रेन वाटर है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज टू ब्लेम फॉर शिप रस्टिंग डिस्पाइट बींग पेंटेड हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो आपका बेसिकली सी शिप होती है वो आ, टाइटेनिक वाले शिप भी आप समझ सकते हो उसमें भी एक टाइम के बाद बल्कि वो नीचे से कोटेड होती है बट उसमें भी एक टाइम के बाद से रस्टिंग प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है तो वो किस वजह से होती है इम्प्यो तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सॉल्ट प्रेजेंट इन द सी वाटर जो आपका सी वाटर जो आपको पता समुद्र का पानी नमकीन होता है तो जो सॉल्ट जो प्रेजेंट होता है वो एक तरीके से कोरोजन एजेंट काम करता है आपका इस वजह से जो आपकी शिप है वो आपकी रस्ट उसमें रस्टिंग हो जाती है पेंट होने के बावजूद भी ठीक है तो मोस्ट एक्यूरेट जो आंसर होगा सॉल्व प्रेजेंट इन द सी वाटर बाय डिजोल्विंग शुगर इन अ हॉट वॉटर मदर क्रिएटेड अ क्रिएटेड्रेटेड शुगर शेरप शुगर अ क्रिस्टल सेपरेटेड ड्यूरिंग द कूलिंग दिस डिनोट्स अ ठीक है तो ऑप्शन देख लेते हैं फिजिकल चेंजेस दैट इज रिवर्सिबल केमिकल चेंजेस दैट इज रिवर्सिबल irreversible physical changes irreversible केमिकल चेंजेस तो जो शुगर है आप इसको हॉट वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो ये बेसिकली एक कंसनट्रेटेड शुगर सिरप बन गया था शुगर क्रिस्टल को जब आप सेपरेट करेंगे कूलिंग के बाद से तो ये आपका एक तरीके से फिजिकल चेंज आया बिकॉज जब आप उसको फिर से पानी में डालोगे तो वो फिर से शुगर सिरप बन जाएगा ठीक है तो ये आपका एक फ़िज़िकल चेंज में आया है जैसे आप देखते हो गुलाब जामुन का जो सिरा होता है ठीक है अगर आप उसको बहुत पकाओ बहुत पकाओ तो वो एक बुरादी के फॉर्म में आ जाता है ठीक है फिर अगर आप उसको पानी में डालोगे तो वापस से वही क्विड के फॉर्म में आ जाएगा तो यह फिजिकल चेंजेस है दो आपका रिवर्सिबल हो सकता है द अपर लेयर ऑफ अपर लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड तो जो आपका अपर लेवल जो होता है ग्राउंड वाटर का उसको हम वाटर टेबल भी कहते हैं वाटर टेबल रेफर्स टू द अपर लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर एट दिस लेवल द रॉक्स और अ आर परपेचुअली विद द वाटर ठीक है water, तो जो आपका ग्राउंड वाटर का ऊपर का लेवल है उसको हम वाटर टेबल कहते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग एसिड इज़ फॉर्म वेन द सल्फर डाइऑक्साइड इज डिज़ोल्व इन द वॉटर ठीक है जब सल्फर डाईऑक्साइड को आप डिज़ोल्व करोगे वाटर के साथ सल्फर डाई ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ डिजोल्व करोगे तो ये आपका बेसिकली सल्फ्यूरस एसिड देता है ठीक है H2SO3 देता है ठीक है ना कि सल्फ्यूरिक एसिड तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखते हैं सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस ऑफ़ द आपका सलफ्यूरस एसिड एच टू एस ओ थ्री देता है ठीक है याद रखना इस चीज को नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वॉटर तो आपका कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जिसको हमें वाटर में स्टोर करना पड़ता है तो नॉन मेटल जो आपका पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से मेटल है कौन से नॉन मेटल है ठीक है तो सोडियम पोटेशियम फास्फोरस कैल्शियम तो सोडियम पोटेशियम की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपकी मेटल होते हैं इनको हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं क्योंकि ये भी हाइली रिएक्टिव होते हैं बट द क्वेश्चन आस्ट इज़ नॉन मेटल नॉन मेटल ऐसा कौन सा है जो आपका बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिसको अगर आप एयर में रखोगे तो बेसिकली आपका बर्न कर जाता है वो आए आपका

विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज यूज टू ऑप्टेन नायलॉन जो नायलॉन होता है वो आपका किसके थ्रू मिलता है एयर कोल वाटर ऑल ऑफ द अब तो जो आपका नायलॉन है बेसिकली आर्टिफिशियल फर्स्ट कम्प्लीटली आर्टिफिशियल फाइबर है जो आपका एयर कोल कोल और वाटर तीनों से मिलता है इट इज़ द सिंथिसाइज विदाउट यूजिंग एनी बायोलॉजिकल रॉ मटेरियल ठीक है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अब विच गैस रिजल्ट फ्राम द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सोडियम हाइड्रोआक्साइड ठीक है विच गैट्स रिजल्ट द रिएक्शन ऑफ मेटल किसी भी मेटल को अगर आप सोडियम हाइड्रोआक्साइड ठीक है अगर मैंने आपको बताया था कि किसी भी मेटल को अगर आप बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो आपका जो निकलता है वो क्या होता है हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज होता है तो इस चीज़ को याद रखना इस बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि जब भी कोई आपका मेटल है ठीक है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन रिलीज करता है जो हाइड्रोजन विथ तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी हाइड्रोजन गैस यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सिल्वर जिंक प्लेटिनम गोल्ड तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका जिंक ये चीज़ आपको कैसे याद रखनी है इसके लिए मैं आपको बेसिकली एक ये जो आपका रिएक्टिव ऑर्डर है इसको आप याद रख सकते हो चाहो तो अगर आपकी याद करने की क्षमता है तो आप इस पूरी सीरीज़ को याद रख सकते हो अदरवाइज़ आपको क्या करना है जो मोस्टली पूछे जाते हैं नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे इसको आप याद कर सकते हो इसमें क्या मैं बोल रही हूँ अरे प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा इन इंस्ट्रिक्ट ट्राई लर्निंग हाउ copper सेवस गोल्ड ये एक ट्रिक है आपको इस इस वाले चार्ट को याद रखने की ये आपका रिएक्टिव ऑर्डर होता है लाइक सबसे पहले आपका क्या आता है पोटेशियम आता है सबसे पहले अगर आपको देखा जाएगा तो पोटेशियम आता है पोटेशियम है उसके बाद से आता है आपका सोडियम आता है कैल्शियम आता है तो ये बहुत ही रिएक्टिव होते हैं मैग्नीशियम एलमोनियम ये आपके बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी तो प्लीज़ इस पोटेशियम पोटेशियम के सिंबल से नहीं इसके वर्ड पी से याद रखना पोटेशियम स्टॉप इज सोडियम बेसिकली एन ए नहीं है वो स्मॉल ए है स्टॉप कॉलिंग इज कैल्शियम मी इज मैग्नीशियम, ए इज अलमोनियम केयरलेस इज कार्बन जेब्रा इज जिंक इंस्टेड इज आयरन ये आपका फॉर्म है क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बेसिकली कॉपर सल्क में से कॉपर को कैसे रिप्लेस किया जा सकता है तो कॉपर को कौन रिप्लेस कर सकता है अगर हम कॉपर को कॉपर के रिप्लेस करने की बात करते हैं तो कॉपर जो यहाँ पर है आपका कॉपर से ऊपर के भी जितने भी एलिमेंट होंगे वो कॉपर को कॉपर से रिप्लेस कर सकते हैं बट सिल्वर गोल्ड और जो आपके प्लेटिनम है ये आपके रिप्लेस नहीं कर सकते हैं तो अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे तो क्या पूछा गया सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड ये आपकी सीरीज में कॉपर से नीचे आते हैं तो जिंक इज द ओनली वन जो आपका ऊपर आता है तो जिंक आपका कॉपर को रिप्लेस कर देगा अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन अ अस रिएक्टिव मेटल बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट डिस्प्लेस द मोर रिएक्टिव मेटल जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर तो इट कैन डिस्प्लेस इट कैन डिस्प्लेस तो होपफुली आपको ये आंसर समझ में आया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर तो कैल्शियम ऑक्साइड एलमुनियम ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड तो ऑक्साइड दैट आर मेड फ्रॉम नॉन मेटल हैव एन एसिडिक इन नेचर तो जो आपके नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो आपके एसिडिक होते हैं तो यहाँ पर अगर हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो सल्फर ही है जो आपका नॉन मेटल है तो नॉन मेटल ऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा जो आपका एसिडिक होगा नेचर में नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द कलर ऑफ द कोटिंग अ कॉपर वेसल डेवलप वैन ऑक्सपोज एक्सपोज टू अ एयर ठीक है तो जब हम कॉपर वेसल को एयर uh, के साथ एक्सपोज करेंगे तो बेसिकली वो ग्रीन कलर देता है वेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर एयर फॉर अ लॉन्ग इट अक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग द ग्रीन मटीरियल इज द मिक्सचर ऑफ बेसिकली अपर हाइड्रो ऑक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट तो ये बेसिकली आपका ग्रीन कलर देता है ऑप्शन बी विल बी द राइट वन विच ऑफ़ द फॉलोइंग करैक्टरस्टिक ऑफ एलमोनीम मेक इट अप्रोप्रिएट एज अ वायर तो हम एलमोनियम के वायर जो यूज़ करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी होती है तो मैंने आपको बताया था दो प्रॉपर्टी हैं एक मैलिएबिलिटी की और एक आपका बेसिकली होती है डक्टिलिटी की तो मैलिएबिलिटी में क्या होता है एक शीट सी फॉर्म हो सकती है डक्टिलिटी में क्या होता है बेसिकली वो आप उसको किसी भी फॉर्म में मोड़ सकते हो तो जो आपकी मतलब किसी भी फॉर्म में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हो तो डक्टिलिटी एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली डक्टिलिटी मेलेबिलिटी तो आंसर हो जाएगा आपका डक्टिलिटी एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एलुमिनियम जो है आपका मेटल है मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उसके अलावा ये आपकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है तो ये आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल एंड इज सॉलिड देखो आपका मेटल नहीं है बट वो सॉलिड है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मरकरी क्लोरी यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं आपका क्लोरीन, आयोडीन ब्रोमीन एंड सोडियम तो आयोडीन जो होता है आपका जो मेटल नहीं है बट ये आपका सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है आयोडीन एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट एंड इज नॉट अ मेटल वाइल क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये आपकी गैसेस और लिक्विड फॉर्म में है जो क्लोरीन है ये आपका गैसेस फॉर्म में होगा और जो ब्रोमीन एक एज ऐसा नॉन मेटल है जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है ठीक है और आपका सोडियम की एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सोडियम आपका मेटल हो गया तो सोडियम तो ऐसे ही आपका हट गया तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में होता है क्लोरीन गैसेस फॉर्म में है और ब्रोमीन आपका लिक्विड फॉर्म में है मेटल्स आर टिपिकली सॉलिड बाई नेचर एट रूम टेम्परेचर विच ऑफ़ द फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड स्टेट ठीक है तो आंसर आपको पता है कि अगर हम यहाँ पर मेटल की बात कर रहे हैं ध्यान देना अगर यहाँ पर नॉन मेटल पूछा होता तो आंसर ब्रोमीन हो जाता बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मेटल तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मरकरी देखो ब्रोमीन और मरकरी दोनों ऑप्शन में दिया बट ब्रोमीन इज नॉन मेटल एंड मरकरी इज मेटल तो आंसर हो जाएगा आपका मरकरी एट रूम टेम्परेचर मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड ब्रोमीन एंड आयोडीन आर नॉन मेटल तो ये आपके बेसिकली आ, जो होते हैं ये आपका ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो ये चीज़ें आप याद रखना इस चीज़ को और जो आपका सोडियम ऑप्शन में दिया हुआ है तो सोडियम जो होता है वो आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है पी ई टी टी इज़ द एब्रीविएशन ऑफ पी टी आपका जो पी ई टी है बेसिकली पॉलीमर होता है बेसिकली पॉलीमर का ही एक नाम है पॉली एथिलीन पॉलीएथिल पोलीएथिल पॉलीएथिलीन पॉली एथिलीन टेरफेथेलेट नन ऑफ द आंसर हो जाएगा सी पॉली एथिलीन आपका ये आपका पी ई टी का एब्रीविएशन है नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी वी सी पी वी सी इज द एब्रीविएशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीविनाइल पॉलीवेनिल क्लोराइड पॉलीऑक्सीविनाइल क्लोराइड नन ऑफ द अब तो पी वी सी इज द एब्रिविएशन ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीवेनिल क्लोराइड पॉलीऑक्सीविनाइल क्लोराइड नन ऑफ द अब आंसर हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड ठीक है रेन शोज प्रॉपर्टी सिमिलर टू तो रेन रेयॉन जो है आपका सिल्क की प्रॉपर्टी सिल्क जैसी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मोप्लास्टिक कौन सा आपका इसमें से थर्मोप्लास्टिक है पोलीएथिन टेफलॉन पॉलीविनाइल क्लोराइड ऑल ऑफ द तो आपको भी ये सारे एग्जांपल जो हैं ये आपके पॉली थर्मोप्लास्टिक के हैं थर्मोप्लास्टिक जो होता है बेसिकली आप इसको री कर सकते हो ये हीट करके आप और जो आपका थर्मोसेटिंग होता है उन प्लास्टिक्स को आप यूज़ नहीं कर सकते हो तो पोलीएथिलन टैफ्लॉन पॉलीविनाइल क्लोराइड ये आपके बेसिकली आप जो बकेट बनाने में या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बनाने में यूज़ होते हैं और आप इसको हीट करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रॉम द पेट्रोलियम पॉलिस्टर जूट नायलॉन नन ऑफ द अव तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका पॉलिस्टर पॉलिस्टर इज अ रोबस्ट फाइबर दैट सोक्स वेरी लिटिल वाटर एंड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट पी ई टी पी टी इज बेसिकली पॉलिस्टर आपका पी ई टी पी टी क्या है बेसिकली पोलिमाइड पॉलिस्टर पोथे एन बी नन ऑफ द वक्त तो मैंने बताया था कि जो पी ई टी है वो बेसिकली आपका पॉलिस्टर होता है ठीक है आंसर इज पॉलिस्टर पॉलिस्टर का ही एक नाम है पी टी इज़ पॉलिस्टर इट इज़ द एब्रीबियशन ऑफ पॉली एथिलीन टेट्राफेलेट इट इज़ मोल्डेड इन टू द प्लास्टिक बॉटल एंड इज रिसेप्टेबल फॉर पैकिंग फूड एंड द अदर कस्टम प्रोडक्ट्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज यूज टू मैनुफैक्चर स्टील कोक कोल गैस कोल तार ऑल ऑफ द आ तो कोक जो होता है बेसिकली ये आपका स्टील को स्मुलेट करता है और आपका uh, मतलब न्यूमरस uh, मेटल होता है तो कोक है आपका जो आपका स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है विच ऑफ़ द फॉलिंग मेटल रिएक्ट्स विथ द वॉटर स्लोली जो वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है तो आपको पता है कि जो सोडियम है और पोटेशियम है और फॉस्फेट है ये हाईली रिएक्टिव होते हैं ठीक है सोडियम को इसलिए हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं इसको एटमोसफेयर में नहीं रख सकते फॉस्फोरस को भी हम बेसिकली वाटर में रख मतलब रखते हैं तो ये आपका कम रिएक्टिव नहीं होता है बेसिकली वाटर के साथ तो जो आयरन है लोहा है वही आपका स्लोली रिएक्टिव होता है और आपका रस्टिंग की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है तो एंसर हो जाएगा यहाँ पर सी आयरन

नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ वाइटल कॉन्स्टिट्यूश कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द पेट्रोलियम ब्यूटेन ब्यूटेन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जेट फ्यूल और ऑल ऑफ द अबब तो जो आपका पेट्रोल के मेन कॉन्स्टिट्यूंट है वो तीनों ही हैं ब्यूटेन लिक्विड जो आपका एल पी जी है और जेट फ्यू ब्यूटेन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जेट फ्यूल पेट्रोल फ्यूल ऑयल कैरोसिन एंड डीजल ये सारे ही आपके पेट्रोलियम के ही कॉम्पोनेंट हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर ड्राइ क्लीनिंग द क्लॉथ क्लॉथ को आप ड्राइ क्लीन कराते हैं बेसिकली जो आप सिल्क uh, वगैरह होती है जो साड़ियाँ अच्छी साड़ियाँ होती है उसको ड्राइट क्लीनिंग के लिए देते हैं तो वो किससे क्लीनिंग होती है वो क्लीनिंग होती है बेसिकली आपकी पेट्रोल से ए ठीक है ए ऑप्शन विल बी द राइट वन वट इज द प्राइमरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस तो ब्यूटीन एंड हैगजेन मेथेन एंड हैगजेन मेथेन एंड ब्यूटीन ऑल ऑफ द अव दूसरा एल पी जी का मेन प्राइमरी एलिमेंट क्या है और आपका सी का प्राइमरी एलिमेंट क्या है तो सी का जो प्राइमरी एलिमेंट होता है वो आपका मेथेन होता है और एल का जो प्राइमरी एलिमेंट होता है वो ब्यूटेन होता है तो इसमें रिस्पेक्टिवली करके कुछ नहीं लिखा है तो मेथेन और ब्यूटेन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट द फ्री स्टेट ऑफ द कार्बन ठीक है कार्बन का फ्री स्टेट नहीं है तो आंसर हो जाएगा पेट्रोल पेट्रोल जो है आपका वो फ्री स्टेट नहीं है कोक और जो डायमंड होते हैं ये आपके फ्री स्टेट ऑफ द हैं और जो पेट्रोल होता है वो आपका मेथेन और ब्यूटीन का मिक्सचर होता है तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा पेट्रोल हो जाएगा वाट इज द कॉमन नेम ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोलियम का कॉमन नेम क्या है ब्लू गोल्ड येलो गोल्ड ब्लैक गोल्ड मैन ऑफ द अवर तो पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं विच इज नोन एज अ आर्टिफिशियल सिल्क तो आपको पता है कि रेन को हम एज अ आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन सो दिज आर द क्वेश्चन फ्रॉम द केमिस्ट्री फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल वर्क और फोर्स को लेकर भी मैं जल्दी ही आऊँगी फिजिक्स का भी एक एम सी क्यू माराथन एम सी क्यू काइंड ऑफ वन होगा जिसमें मैं फिफ्टी सिक्सटी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जल्दी ही आपका बायोलॉजी का एक टॉपिक सेल बचा रह गया है उसको कंप्लीट कराना है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल तो एक दो दिन के अंदर उसकी भी वीडियोज़ आ जाएंगी तो होपफुली आपको चैनल पसंद आ रहा होगा वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी डियर इनकेस इस एम सी क्यू में अगर आपको कुछ मिस्टेक लगती है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्ट Uh, बहुत फ्लो में जाने पे एक आधी बार क्वेश्चन में या इंस्टेंट आंसर करने में मेरे से भी चूक हो सकती है सो फील फ्री टू आस्क एनी कन्फ्यूजन एनी डाउट थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू